सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम रिसर्च के अंदर एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों ये नया टॉपिक है और ये हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें से अभी तक काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी। सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि ICT यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का रिसर्च के अंदर कहां कहां पर किस तरह से यूज होता है। अब देखिए मुख्य रूप से जो रिसर्च है उसका 3 जगह पे यूज होता है ICT का। जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो जब हम रिसर्च की शुरुआत करते हैं तो प्री डेटा एनालिसिस यानी कि जब हम डेटा इकट्ठा करने की शुरुआत करते हैं तब इसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद में डेटा एनालिसिस, जो डेटा हमने इकट्ठा कर लिया और उसका एनालिसिस करते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। और तीसरा पोस्ट डेटा एनालिसिस यानी कि डेटा इकट्ठा कर लिया, एनालिसिस कर लिया, उसके बाद में किस तरीके से ICT का यूज़ किया जाता है रिसर्च के अंदर, इन तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ICT इन प्री डेटा एनालिसिस। अब देखिए जब हम डेटा एनालिसिस करने से पहले किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए हमें डेटा लेने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। जैसे कि हमें लिटरेचर रिव्यू करना होगा। लिटरेचर रिव्यू हम तभी करेंगे जब हमारे पास लिटरेचर होगा, यानी कि जो प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट की है उस पर किन किन लोगों ने काम कर किया है, आज तक क्या क्या वर्क हुआ है, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, लिटरेचर सर्च करेंगे। आर्टिकल अवेलेबिलिटी देखेंगे कि हमारे वर्क के ऊपर आज तक क्या क्या आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं और किन किन लोगों ने थीसिस आज तक लिखी है, वो सारी की सारी चीज़ें हम खोजेंगे, सर्च करेंगे। तो इसके लिए हम ICT का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में जैसे कंटेंट सर्च करते हैं, लिटरेचर ट्रैकिंग करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लिटरेचर सर्च हम कैसे करते हैं। अब सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों शोध गंगा आती है। जो नए स्टूडेंट है शायद उनको ना पता हो, लेकिन जो लोग PhD कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि शोध गंगा क्या है। शोध गंगा एक इंडिया की ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहां पे आपको लगभग सभी जो PhD वर्क है वो आपको मिल जाएगा कि किन किन लोगों ने क्या क्या काम कर रखा है, क्या आर्टिकल प्रकाशित वहाँ पर कर रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आता है दोस्तों गूगल स्कॉलर आता है। गूगल स्कॉलर के अंदर आपको पूरे दुनिया के जो शोध वर्क किए गए हैं, रिसर्च वर्क किए गए हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, यहाँ पे भी आपको जो ऑथर वगैरह है वो मिल जाएंगे, एकेडमिक पेपर है वो मिल जाएंगे, जर्नल है वो मिल जाएंगे, कॉन्फ्रेंस वगैरह मिल जाएंगी, यानी कि यहाँ से आपको अपनी रिसर्च के लिए बहुत सा डेटा मिल जाएगा और इनमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वो ऐसे दे देंगे कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा लिटरेचर सर्च के लिए यूज नहीं होता या यूज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद में जैसे एक और है मेंडेली और उसके बाद में SSRN, तो ये भी हमारे वो कह सकते हैं कि टूल है, ऑनलाइन टूल है जिनसे हम अपने लिटरेचर सर्च करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास डेटा कलेक्शन। अब बात आती है डेटा कलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। ऑनलाइन हम जैसे सर्वे करते हैं, एक फॉर्म होता है, फॉर्म भरते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि गूगल की तरफ से फॉर्म आता है तो उसमें हम भरते हैं, तो वो गूगल फॉर्म होता है। और गूगल के अलावा भी और भी काफ़ी तरह के फॉर्म होते हैं, जैसे सर्वे मंकी होते हैं, और इसके अलावा भी कई कंपनियां होती हैं जो सर्वे के लिए फॉर्म बनाती है।
तो जो डेटा कलेक्शन किया जाता है वो मुख्य रूप से यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं ये चीज़ें। और एक चीज़ मैं दोस्तों यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कई दोस्त हमें ऐसे कहते हैं कि सर टोटली जो हमारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल हिंदी में पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ोगे तो भी नहीं आएगी। तो हमें मिक्स मिक्स करके चलना है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस, यानी कि जो डेटा हमने इकट्ठा कर लिया है उसका एनालिसिस करने में किस तरीके से आईसीटी अपनी भूमिका निभाता है। अब देखिए, जो हम डेटा इकट्ठा किया है उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, उसमें हम कई कई तरह के टेस्ट लगाते हैं, जैसे टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट हो गया। तो इस तरीके के जो टेस्ट लगाते हैं वो किससे यूज़ किए जाते हैं, अब देखिए। सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, अब ये देखिए, ये हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। ये देखिए, स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसे ज़्यादातर SPSS के नाम से जाना जाता है, और जो लोग PhD कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो जब आप PhD करोगे तो आपको भी अच्छे से पता चल जाएगा, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि SPSS जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर यूज होता है। और उसके बाद आता है जैसे कि R फाउंडेशन फॉर स्टैटिकल कंप्यूटर, और उसके बाद आता है जैसे मैट लैब द मैथवर्क्स, ये भी हमारा जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर काम आता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि उसके अंदर हम किस तरीके से अपने जो डेटा हमने इकट्ठा किया है उसका हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आता है SAS, स्टेटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये सारे सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो इसमें हमारे डेटा एनालिसिस के अंदर काम आते हैं। और मिनी टैब हो गया, फिर ग्राफिक, हमारा ग्राफ पैड प्रिज्म हो गया। तो ये मुख्य रूप से हमारे सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटा एनालिसिस के अंदर काम आते हैं। और उसके बाद है जैसे कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव के अंदर NVivo होता है, atlas.ti है, ये मुख्य रूप से वेबसाइट है, और इन वेबसाइट पे आपको जो टूल है वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में SPSS टेक्स्ट एनालिसिस हो गया, उसके बाद में ट्रांसाना हो गया, और ये क्या करता है, कैन बी यूज फॉर वीडियो ट्रांसक्रिबिंग इन क्रिएटिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। ये जो वीडियो होती है उसके अंदर ज़्यादा काम आता है वीडियो एनालिसिस करने में। और इसके बाद में आता है जैसे एप्लीकेशन ऑफ ICT इन पोस्ट डेटा एनालिसिस, यानी कि जो हमने डेटा एनालिसिस कर लिया उसके बाद में ICT किस तरीके से यूज होते हैं वो हमें देखना है। अब देखिए, हमने अपनी रिसर्च लगभग कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद में हमारा आता है वीवियोग्राफी लिखना। अब देखिए, वीवियोग्राफी लिखना हमने पहले एक टॉपिक किया था, उसके अंदर आपको ध्यान हो तो हमने किया था APA स्टाइल किया था, MLA स्टाइल किया था, ठीक है। तो अगर वो आप मैन्युअली लिखोगे आप तो उसमें आपके काफ़ी तरह की गलतियां हो सकती है, जैसे उसमें हमने देखा था ना कहीं पे इस तरीके से डैश लगाना है, फिर डॉट लगाना है, फिर इस तरीके से लगाना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, कहीं ईयर के आगे ब्रैकेट लगाना है, तो ये चीज़ें अगर हम मैन्युअली करेंगे तो ये भूल जाएंगे। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं जैसे एंड नॉट, जेटेरो, मेंडली, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमें क्या डालना है, उसके अंदर हमने जैसे पब्लिशर का नाम डाला हमने, और जो ऑथर है उसका नाम डाला, ईयर डाला, जहाँ से वो प्रकाशित हुई है वो डाली, वो सारी चीज़ें हमने फिल कर दी, और वो ऑटोमेटिक से वो उसके सीक्वेंस में लगा के हमें दे देगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और आगे दोस्तों, जैसे आर्टिकल, थीसिस, डेजर्टेशन, डिस्कशन। अब हमने कोई भी आर्टिकल लिख लिया, उस पर हमें डिस्कस करने हैं, हमें पूछना है किसी से, भाई हमने जो ये लिखा ये गलत है या सही है, तो यहाँ पे जो academia.edu है, रिसर्च गेट है, यहाँ पे हम एक कम्युनिटी है, वहाँ पे हम अपने डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी सवाल जवाब है हम वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आगे आता है दोस्तों प्लेगरिज्म डिटेक्शन। अब देखिए, इस पे एक हमारा क्वेश्चन भी आया था अब की बार,
जो जून 2019 का एग्ज़ाम था उसके अंदर, जो प्लैगरिज्म डिटेक्ट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने पीएचडी लिखी है, जो थीसिस लिखी है, वो कहीं कॉपीराइट तो नहीं है, कहीं से हमने वैसे ही कॉपी करके पेस्ट तो नहीं किया है, तो इसमें प्लैगरिज्म डिटेक्ट की जाती है। तो इसके लिए मुख्य रूप से हमारा ग्रामरली होता है, और जो ग्रामरली है दोस्तों, ये अब भी ज़्यादा चलन के अंदर आए, इसकी आपने ऐड भी देखी होगी फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ऐड वगैरह देखी हुई होगी। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जून 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्लैगरिज्म चेकिंग वेबसाइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं grammarly.com ये दिया हुआ है, तो ये हमारा सही आ जाएगा। और अब ये देखिए, एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, रिसर्च गेट है। रिसर्च गेट हमारा किसके लिए यूज होता है, अभी मैंने बताया था, रिसर्च गेट होता है हमारी डिस्कशन करने के लिए, जो हमने थीसिस वगैरह लिखी है उस पर डिस्कशन करने के लिए होता है। तो प्लैगरिज्म चेक करने के लिए मुख्य रूप से ये है कि ग्रामरली होगा, आर्टिकल चेकर हो गया, ये पता नहीं क्या है, टर्निटिन हो गया, और फिर है डुप्लीकेट चेकर हो गया, ये मुख्य रूप से हमारी वेबसाइट है। तो इनमें से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब देखिए, उसके बाद आता है हमारा जनरल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन, यानी कि जो हमने आर्टिकल या जर्नल लिख दिया है उसे हम पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये कुछ वेबसाइट वगैरह दिए, यहाँ पे हम पब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि एल्सेवियर और वीली और फिर सेगा पब्लिकेशन है, यहाँ पे हम अपना पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से जो हमारे ICT यूज़ होती है रिसर्च के अंदर, वो हमने बताया है। इसके अलावा दोस्तों, आपको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है, इन्हीं में से क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के दे सकता है, और शायद आप हमें ये कहो कि सर आपने ये तो हमें करवाया ही नहीं, करवाया हुआ होगा लेकिन हो सकता है वो आपके ध्यान में ना रहा हो, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होते तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। और दोस्तों, इस वीडियो पे हमें कम से कम 40 से 50 लाइक ज़रूर मिलने चाहिए, हमने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।